है गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग स्वीट्स, वो भी राखी स्पेशल। तो मैंने यहाँ पे अरारोट लिया हुआ है 250 ग्राम, और इसको मैं पैन में डाल के बहुत ही अच्छे से धीमी आंच पे हम इसको लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक अच्छे से इसको सेक लेंगे, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो पूरा निकल जाए। ये काफ़ी अच्छे से मैंने सेक लिया है, 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको बहुत ही अच्छे से सेका हुआ है। और मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और ये बादाम और पिस्ता, ये तीनों का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तो इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच के, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा भी हम 4 से 5 चम्मच डालेंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मिल्क मेड। तो मिल्क मेड डाल के मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने गूंद लिया। आप चाहे तो इसको गोल गोल बॉल में लड्डू का शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्क्वायर में काटूंगी। तो यहाँ मैंने प्लेट लिया हुआ है जिसको मैंने घी में ग्रीस करके रख लिया है। अब उसके बाद हम ये डालेंगे मिक्सचर। अब इसको हम अच्छे से एक स्क्वायर का शेप देंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर से दोबारा से काजू बादाम और पिस्ता का ये पाउडर डालूंगी। ये हमने सारी जगह डाल दिया। इसको मैं अब 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर हम उसके बाद ही इसको कट करेंगे। तो ये अब सेट हो चुका है, अब मैं इसको कट करूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने सारा कट कर लिया है, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको मैं एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। तो ये देखिए, ये हमारा बर्फी जो है राखी स्पेशल के लिए मैंने बनाई हुई है, तो ये बनके रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बाय बाय।